जब हम खुद में निश्चय कहते हैं, अर्थात हम कितना अपने आप को उस श्रेष्ठ स्वमान में स्थित करते हैं जो बाबा ने हमें बताया है, तुम कौन हो? केवल मैं आत्मा हूँ यही कहना पर्याप्त नहीं है, परंतु मैं कैसी आत्मा हूँ ये भी बहुत जरूरी है निश्चय करना। क्योंकि मनुष्य हम देखते हैं दुनिया में सही रूप से अपने बारे में निश्चय न होने के कारण या तो अभिमान के वश हो जाते हैं या तो अपमान महसूस करते हैं या तो हीनता की भावना आती है या तो उल्टा नशा चढ़ जाता है। क्योंकि स्वयं को सही रूप से पहचानते नहीं, इसीलिए कहा जाता है कि मनुष्य चार प्रकार का, अगर चार में से हम दो पहले देखें, दो प्रकार का ज्ञान व्यक्त करता है अपने बारे में। एक अज्ञान है अपने आप को, जो भी सांसारिक उपलब्धियां हैं उनका घमंड करना एक बहुत बड़ा ज्ञान है। क्यों बाबा कहते हैं अज्ञान है? क्योंकि ये सब विनाशी है, जो भी भौतिक उपलब्धियां हैं ये सब विनाशी है, आज है कल नहीं रहेगी, क्योंकि समय बदलता जाता है, कुछ भी स्थिर नहीं है। इसलिए भौतिक उपलब्धियों का घमंड रखना एक अज्ञान है। पर दूसरी ओर अपने प्रति हीनता की भावना रखना ये भी अज्ञान है। मेरे जैसा बुरा कोई नहीं, मैं तो निकम्मा हूँ, मैं तो बहुत कमजोर हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, ये भी जो हम लोग अपने लिए कहते हैं ये भी अज्ञान है। और ये क्यों कहते हैं? क्योंकि हम अपने आप को दूसरों से भेंट करते हैं, इनके जैसे मैं नहीं हूं इसीलिए मैं कोई काम का नहीं हूं। तो एक तरफ है हीनता की भावना और दूसरी तरफ है इतना अभिमान कि मेरे जैसा कोई नहीं। और बाबा कहते हैं ये दोनों ही अज्ञान है, एक्सट्रीम एंड्स है, एक्सट्रीम। परंतु ज्ञान हमें क्या कहता है? कि अपने आप को पहचानो, आप एक श्रेष्ठ आत्मा हो, आप महान आत्मा हो, आप पावन आत्मा हो, आप पवित्र आत्मा हो, आप शक्ति रूप हो। और जैसे जैसे हम इस ज्ञान को समझते जाते हैं, अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानते जाते हैं, तो आत्मा के अंदर शक्ति आती जाती है। शरीर की शक्ति तो बाहर से आएगी, खान पान से आएगी, हवा पानी से आएगी, रहन सहन से आएगी, लेकिन अंतर की शक्ति श्रेष्ठ विचारों से आएगी। और वो ज्ञान जिससे हमारे विचार श्रेष्ठ बने, वो आत्मज्ञान भी अंदर से ही आएगा। क्योंकि आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप में एक शक्ति है, परमात्मा सर्वशक्तिमान है, वो तो है,
लेकिन मैं आत्मा भी कोई काम